और यार इधर मरी लाडो के कान चेक करे, उसने सारा जो लूसन है ना सारा खिलार दिया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल उजैर मोशन व्लॉग। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। चारा ले आए हैं हम ऊपर और उजैर खाने लगा पाउडर। क्या करने लगे हो? ये पेट मारने वाला पाउडर नहीं है, मोशन में ले गया हूँ जी दोस्तों के लिए। ये चूजों के लिए लेके आए पावर प्लस पाउडर, जो कल मैंने बताया था ना यार कि उनको ना चिच्चड़ लग गए, तो उनके लिए लेके आए हैं। सर्दी भी लगी हुई है और टांगों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा इनसे ना। दोस्तों ये जिनको चिच्चड़ लगे हैं ना उनको मैं पाउडर डालने लगा हूँ। ये इधर इसको ना सारे को लगाना है, सिर्फ इसकी आंखें और मुंह हमने बचाना है ताकि इसकी आंखों में ना पड़ जाए। मौसम भाई इसकी दुम पे भी लगा देना। वो भी लगाता हूँ। जी तो दोस्तों मैंने यार इसको ना पाउडर वगैरह लगा दिया है चूजों को, और वो चूजा जो है ना वो सबसे ज्यादा बीमार है। ये तो माशाल्लाह फिर भी ठीक है ना दोनों, ये ज्यादा बीमार है। इसको बुखार की जो है दवाई देते हैं यार ताकि ये सही सही जल्दी जल्दी सेहत याब हो जाए। जी तो दोस्तों मैंने यार चूजों को भी पाउडर वगैरह लगा दिया है, तो घूम फिर रहे हैं, इनको दाना वगैरह डालते हैं। और यार जो गंजी मुर्गी है ना इसको भी चिचड़ लगे हुए थे, इसको भी मैंने पाउडर लगा दिया है। यार उजैर ने ना डीएसपी को और इसकी फीमेल को छोड़ दिया था बाहर, तो लेकिन ना इनको हम बंद करते हैं अभी, तो सोना चांदी को खोलते हैं, वो दाना उनको पहले हम आज डालेंगे। इसको हम बंद इसलिए करने लगे हैं कि यार जो डीएसपी है ना इसके लिए हमने अंडे उबालने के लिए रखे हैं, जो हमने इसकी डाइट तैयार करनी है। अभी ये 5 मिनट लग जाएंगे, तो तब तक इनको ना हम बंद कर देते हैं अंदर। चलो शाबाश जी, इनको बंद कर दिया है। और इधर से ना मैं सोना चांदी को खोलने लगा हूं। ये सोना चांदी को खोल देते हैं। और यार इनके लिए ना दाना लेके आते हैं। और यार सोने के जो कील है वो काफी बड़े हो गए हैं, तो कल को हम जो सोने के कील काटेंगे, क्योंकि यार ये मुर्गी क्रॉस करते हुए ना तो मुर्गी जख्मी होती है, और इसलिए मुर्गी जो है ना क्रॉस भी नहीं होती, तो कल को ना कील काट देंगे हम। मैंने ना यार दाना रख दिया है इसको, सोना चांदी को, और पानी भी इधर रख दिया है। और हम ना अपने सुल्तान को चेक कर लें, क्योंकि बदमाशी कर रहा है ये, तो अंदर जो है ना लड़ाई कर रहा है अंदर से, जाली के अंदर से ना, तो हीरे के साथ लड़ाई कर रहा था ये। ये चुटकी पे लगने लग गया है जी, तो अकेला है ना काफी दिनों से, तो अब ये चुटकी पे लग जाएगा जल्दी। तो पहले ये हमें मारता था, लेकिन काटेगा ये अभी भी, तो हमें बचना पड़ेगा इससे। सब पर निकाल रहा है माशाल्लाह, और ये खूबसूरत भी लगने लग जाएगा जब इसके पर निकल आए ना। तो उधर की यार परिंदे चल के देखते हैं, छोटे चूजे जो हैं ये भी माशाल्लाह काफी बड़े हो गए हैं। और यार डॉली के बच्चे भी पकड़ के चेक करते हैं, मुझे लगता है उनको भी कहीं चिचड़ वगैरह ना लग गए हो, तो ये लें चेक करें, माशाल्लाह है काफी एक्टिव। तो दोस्तों पकड़ के देखा है यार इनको ना, इधर भी एक साइड पे ना लग गए हैं, तीन चार चिचड़ इधर लगे हुए हैं, तीन चार इधर लगे हुए हैं, ज्यादा नहीं है वैसे। अगर मैं ना भी पाउडर लगाऊं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं लगाने लगाऊं कि ये बढ़े ना, इधर ही कम हो जाए। ये चूजा है ना डॉली के साथ वाला, तीनों को मैंने जो है ना पाउडर लगा दिया है, तो इनको भी तकरीबन थोड़े चिचड़ लगे हुए थे, दो दो तीन तीन उधर, तीन चार उधर लगे हुए थे, तीन चार उधर, तो ये ज्यादा ही होने थे, तो कम नहीं होने थे, तो इसलिए मैंने इनको पाउडर लगा दिया है। तो यार ये पाउडर लगा सकते हैं, अब आसान हल है, वैसे इंजेक्शन मिलता है चिचड़ों का, तो आप वो भी लगा सकते हैं, उससे भी चिचड़ जो है ना वो मर जाते हैं, लेकिन इंजेक्शन लगाना पड़ता है। बाद दोस्तों को इंजेक्शन नहीं लगाना आता, तो वो फिर ये पावर प्लस पाउडर है, ये आसान तरीका है। ये जब तक इनको बाहर नहीं ना निकालना हमने, इन्होंने शोर ही नहीं बंद करना, तो खामोश हो जाओ। और यार अंदर से ना वो वाला पेड़ भी खोल देते हैं, और देखते हैं यार हमारी स्लेटी मादी ने दूसरा अंडा दिया या नहीं दिया अभी। जी दोस्तों माशाल्लाह जो नीवी की मादी है ना इसने तो दूसरा अंडा दे दिया है, ये देखे दोनों अंडे आ गए हैं इसके। ये अभी तकरीबन 6 या 7 पर की हुई है, पट्टी है अभी, पूरी कबूतरी नहीं बनी। और इधर एक ही है, कोई बात नहीं, आज या कल इसका भी अंडा एक आ जाएगा। तो इनको यार बाहर निकालते हैं, दाना वगैरह डालते हैं, और रैबिट्स को जो चारा है ना वो अंदर रख देते हैं, क्योंकि रैबिट्स भूखे हैं और चारे की तलाश में है ये। तो इधर से ये एक जो रैबिट है हमारा ये बाहर चला गया है चारा खाने के लिए,
और ये वाला पेड़ भी जो है ना बाहर निकाल देते हैं। चलो 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 शाबाश। और ये देखें दोस्तों, ये रैबिट जो है पता नहीं क्या तलाश कर रहा है। तो ऐसे इन्होंने ना यार पूरे केज के अंदर ना खड्डे बना दिए उधर से लेके ना ऐसे। तो ये चेक करें वो कोना, ये इधर से। तो अब खड्डा जो है ना इधर को ले जा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये केज के नीचे से जो छत है ना हमारी वो बिल्कुल पक्की है, उसको हमने सीमेंट लगाया हुआ है, टाइलें लगी हुई हैं हमारे। तो इधर हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो ये सिर्फ खड्डा निकाल रहे हैं, मट्टी ऊपर ऊपर से साइड पे हो रही है। ये यार दोस्तों इनको ना आदत है, मट्टी साइड पे करी जा रहे हैं और बिल्ले बनाई जा रहे हैं अपनी। और यार ये जो फीमेल है ना हमारी, ये उड़ के इधर बैठ गई है। इसको मैं उड़ाता जरूर, लेकिन अगर इसके ना 10 पर पूरे होते तो जो 10वां पर है ना इसने गिराया हुआ है, तो तकरीबन 2 इंच जो है ना ये बाहर पर जो है इसका निकला हुआ है। इस फीमेल का 2 इंच पर जो है ना वो बाहर निकला हुआ है। अगर पूरा पर होता तब मैं इसको उड़ाता, क्योंकि यार जब पर कच्चे होते हैं ना तो जब परिंदा उड़ता है तो उसमें से ना ब्लड निकलने लग जाता है, इसलिए हम परिंदे को नहीं उड़ाते कि यार पर वगैरह पूरे हो जाए तो फिर उड़ाएंगे। और यार मैंने ना पिजन को दाना डाल दिया और रैबिट्स भी उधर चला गया और रुस्तम उनको खाने नहीं दे रहा। तो जैसे ही दाना डाला है बाकी के परिंदे आ गए हैं और पिजन हमारे जो है ना दूसरे परिंदों से डरते हैं। जी दोस्तों ये दाना खा लेते हैं तो उधर से कोई ना कोई परिंदा खोल देते हैं। क्या है तुम्हें, क्या हुआ? तो अभी दुकानें खुलती हैं क्लिनिक वगैरह डॉक्टर के, तो दवाई ले लो। यार उदयार को काफी बुखार है, जिसम इसका भी तप रहा है, इसको बुखार है, तो जाके दवाई लो उदयार। बस जल्दी जल्दी यार हम दाना पानी करते हैं, क्योंकि अजयार को मैं खुद लेके चलता हूँ यार, मेडिसिन लेके देता हूँ। ये तो खुद जाता नहीं है, इंजेक्शन से डरता है थोड़ा यार, इंजेक्शन नहीं ये लगवाता, दांत निकाल रहा है ये। तो इंजेक्शन की तकलीफ तो कोई नहीं होती, मुर्गियों को बड़ा पकड़ के लगवाता है मोहसिन भाई। इसको इंजेक्शन लगाएं सही हो जाएगी, फिर ये बीमार है तो खुद नहीं लगवाता ये, इसको इंजेक्शन लगवाते हैं आज फिर सही होगा ये। जी तो दोस्तों हमने यार सोचा था जो वही हुआ। ये देखे बसंती आज हमारे सामने लड़ रही है, तो क्योंकि यार डॉली की जो पूंछ है ना वो सारी दुम जो है वो टूटी हुई है और टेढ़ी होगी, हालांकि नई दुम आई है। तो मुझे शक था कि यार ये इसके साथ लड़ती होगी, लेकिन हमने कभी देखा नहीं था। तो आज चेक करें, आज तो रंगे हाथों पकड़े गए। तो बसंती का आज इसको बंद नहीं करेंगे, सिर्फ रात को बंद करेंगे, इसको ओपन छोड़ते हैं और दरवाजा इसका ना बंद कर देंगे इसको निकाल के। तो यही एक हल है। और तो केजेस की कमी है यार, उधर से केज उठा के लाते हैं, उसको तैयार करते हैं ताकि जो हमारे परिंदे इस तरह से लड़ते हैं या कोई परिंदा होता है ना तो उसमें बंद कर दिया। तो ये देखें यार 2-3 दिन से ना इनका बड़ा मसला चल रहा है, शंकर का और रुस्तम का। रुस्तम को ना उस दिन से यार शंकर पे बड़ा गुस्सा है, तो जिस दिन का उसका मुंह छिला हुआ है ना जाली के साथ उसी दिन का गुस्सा है। जी तो दोस्तों अब जो है ना मैं आपको शजरी मादी का शौक करवाता हूँ। ये देखे दाना खा रही है यार, ये ना किसी दोस्त से ली थी, तो अच्छी फीमेल है। तो फीमेल की हमने ना तपनी चेक की थी, वीडियो देखी थी इसकी, तो फिर उससे ली है ये। तो यार ये दुकानों से या मार्केट से परिंदे इस वजह से नहीं लेके आता ज्यादा, तो मार्केट का चक्कर हम इस वजह से नहीं लगाते। अभी भी डक्स का जो मैंने कहा है ना, किसी दोस्त को कहा है, तो जो परिंदे आते हैं ना मार्केट के अंदर, तो यार उनमें वायरस वगैरह होता है, रंग बिरंगे परिंदे होते हैं। जैसे आप छत पे लेके आते हो तो आपके दूसरे परिंदे भी जो है ना वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, भले आप उसको डिटोल से नहला लो, या अगर किसी भाई ने लेके भी आना है ना परिंदा, तो वो पहले आके डिटोल से उसको ऐसे टांगे वगैरह धोए, उसको नहलाए, फिर सुखाए, फिर ये जो मैंने आपको पावर प्लस का पाउडर बताया ये अच्छी तरह सबको लगा दे, और गुड़ जो है ना वो लाजमी दे उसको। तो इस तरह करके तो 3 से 4 दिन जो है ना वो परिंदों से अलग रखे अपनी छत से, तो फिर लेके आए। तो ये मसला इतना सारा करना पड़ता है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा मार्केट का चक्कर नहीं लगाता। तो यार परिंदे मैंने 2-3 बार ऐसे जो है ना बाहर से परिंदे ला के, तो अपने खुद के घर के परिंदे जो है ना वो एक्सपायर करवाए हुए हैं। किसी को एंडी आ गई, किसी को रानी खेत आ गई, तो इस तरह करके ना जिसको एंडी आ जाती है उसके तो छत के परिंदे टोटली नहीं बचते यार, सब के सब एक्सपायर हो जाते हैं। तो एंडी ऐसी खतरनाक बीमारी है, ऐसा वायरस है ये एंडी, अल्लाह बचाए सबके परिंदों को एंडी से। तो यार आपको मैं अभी ना शौक करवाता हूँ, ये है शजरी मादी, तो बिल्कुल बोस की आंख है, बोस की आंख और डोरेदार, और नली का शौक कर लें, चौरस नली है, खाली पड़ रही है बीच में, अल्लाह चेक कर लें। यही आवाजें ज्यादा इसी वजह से निकाल रही है कि हमने इसको कभी पकड़ा नहीं है, ये देखो। हालांकि वीडियो के अंदर ये ज्यादा आवाजें जो है ना ये अच्छी नहीं है,
तो इसकी भी वायलेशन है। तो माशाल्लाह मजबूत जोड़ है इसका, तो ये अच्छी नस्ल की मादी है। ये तो दोस्तों यार डीएसपी को हमने डाइट वगैरह तैयार करके दे दी है, ये अपना दाना खा रहा है और दाना खाने में मसरूफ है। ये हम ना इनको खोल देते हैं, ये डॉली और डॉली के बच्चों को कब से वेट कर रहे हैं यार ये कि हमें खोलें। और उधर से जो हमारे पिजन है ना यार वो आगे हुए हैं और उनको हम बंद करने लगे हैं अब। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो कैसी लगी है आपको ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मिलेंगे कल को, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।